एक सिक्के की तलाश में सीबीआई, जिसकी कीमत 126 करोड़ 1987 में हैदराबाद के निजाम के पास था, नीलामी की भनक लगते ही स्विट्जरलैंड तक गई एजेंसी। देश के चर्चित घोटाले, मर्डर, रेप, अपहरण, आपने अक्सर सीबीआई को ऐसे ही मामलों की जांच करते सुना होगा। लेकिन सरकार ने इस बार सीबीआई को एक सिक्के की तलाश का जिम्मा सौंपा है। ये कोई ऐसा वैसा सिक्का नहीं, करीब 400 साल पुराना 12 किलो का सोने का सिक्का है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तजुके जहांगीरी में 1000 तोले यानी करीब 12 किलो के सोने के सिक्के का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने ईरानी शाह के राजदूत यादगार अली को तोहफे में दिया था। फारसी कैलेंडर के मुताबिक यादगार अली जहांगीर के शासनकाल के 8वें साल के 19 फरवरी दिन को आया था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख 10 अप्रैल 1612 रही होगी, यानी अब उस घटना को 410 साल बीत चुके हैं। सिक्के की तलाश में सीबीआई स्विट्जरलैंड तक पहुंची, हालांकि उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लग सका। हाँ, ये जरूर पता चला कि मुकर्रमर जाह 1987 में दो सोने के सिक्कों की नीलामी की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक सिक्का 1000 तोले का था, जिसकी कीमत 1987 में करीब 16 मिलियन डॉलर थी। आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक यह करीब 126 करोड़ रुपए हुए। बहरहाल 37 साल पहले जिस सोने के सिक्के को खोजने में सीबीआई नाकाम रही थी, अब सरकार ने पिछले महीने यानी जून में उसकी खोज का जिम्मा फिर से सीबीआई को सौंपा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई उस सिक्के तक कब पहुंच पाती है।